देखे सारे वीडियोस जो यस मैंने? सर, यस सर, देखा था ओके, आपको क्या डाउट है उसमें? जस्ट लेट मी नो फर्स्ट। सर। वो जो इरेगुलर वर्ब है, ओके ओके, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट था। फिर क्या डाउट है उसमें? जैसे उसमें है ना कि मतलब जो इरेगुलर वर्ब में आपने इज एम आर वाले बताए थे, सेम सेम थे कि वो साइन जो भी था। तो सर ओके उसके नीचे आपने करवाया था कि इश का बिन आएगा, ओके, डू का बीस्ट। तो सर जब आगे आर्बिटन में उसको मतलब आर्बिटन में उसका अप्लाई किया, तो फिर वो उसमें इश का आर्बिटे कैसे हुआ, हाइजे कैसे हुआ, मतलब वो बिन कहाँ गया, हम सब ये समझ नहीं आया मुझे। अभी हम क्लास करते हैं, मैं आपको सारा समझाऊंगा। ऐसा नहीं है जो आपने देखा है सो अब मैं उसे नहीं बताऊंगा। ओके, वो तो जस्ट आपके ठीक लिए है एक रिवीजन के लिए है, बाकी मैं एक एक चीज कवर करेंगे क्लास में। ओके, जस्ट आपको ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट वो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी ट्रायल के लिए। ओके, कि ठीक है ठीक है आज महिमा की क्लास अटेंड करी थी, तो पहले उन्होंने वीडियो देखी, फिर मैंने क्लास में समझाया, तो उनका रिस्पॉन्स 100% था। मतलब उन्हें कहीं ठीक है प्रॉब्लम नहीं सर, आया। पर जो मैंने पहले स्टूडेंट को पढ़ाया है, उन्हें फर्स्ट चैप्टर में इतने डाउट आते थे, और जो आपका रिस्पॉन्स, मतलब महिमा का जो रिस्पॉन्स था, वो बेस्ट रिस्पॉन्स था। तो मुझे ये मतलब सही ठीक अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट। ओके, सो अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मेन। ओके, जो आज हमने कवर है करा था। ओके, सो अच्छे से करेंगे, इजी वे में। ओके, सो जस्ट सर। वीडियो, लेसन नहीं वी, नहीं इससे ऊपर हेडिंग अच्छा सर, हेडिंग ऊपर थोड़ा वाला सा। वी यस, हाइजन जी, ओके, वेरी गुड। वी हाइजन जी मीनिंग, वो वी हाइजन हाउ टू बी कॉल्ड यू। ओके, हाउ हाउ टू टू कॉल बी, यू, ओके ओके, वी हाइजन जी वी मीन्स चलो। हाउ टू हाइजन मीन्स। बी कॉल्ड, ओके, वेरी गुड। ओके, और जी मेक्स यू। या वेरी वेरी गुड। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। या नेक्स्ट आता है आपका, जस्ट रीड इट, फियर आ फोर ए, जस्ट रीड। लेसन जी उंड हॉरेन जी ऑर्डिनेंस जी डी या टन जू। ओके, लेजन मीन्स होता है टू रीड। ओके, लेजन मीन्स, टू रीड लेजन जी उंड ह्योरन जी, ह्योरन मीन्स होता है टू। लिसन, ओके, ओर्डिनेंस जी दी अंटवॉर्टन, अंटवॉर्टन मीन्स होता है आंसर। ओके, एंड ओके ऑर्डिनेंस मीन्स होता है टू अरेंज, टू ऑर्डर और टू अरेंज। ओके, तो ओके आपको क्या करना है, इसे रीड करना है, इसे सुनना है, एंड देन वी विल अरेंज इट। ओके, सो इससे ओके पहले हम सीखते हैं 1 2 3। ओके ओके, सो हाँ, फर्स्ट रीड इट। जैलन या बुक स्टाबन। बुक साबन, ओके, जालन मीन्स नंबर, ओके सालन मीन्स नंबर। ओके, नंबर। ओके, एंड बुक स्टाबन मीन्स लेटर, बुक स्टॉबर्न मीन्स, लेटर, ओके, लेटर। अगर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको कोई वर्ड देखना है सो आप यहाँ से देख सकते हो, एक डिक्शनरी का नेम है, डिक्शनरी का नेम ये है डिक डॉट सी सी। क्या है? dot.cc हाँ, आप इससे कोई भी वर्ड देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा गेन, गेन मीन्स होता है टू गो। ओके, अभी हम वर्ब करेंगे तो आपको समझ में आया, गेन मीन्स टू गो। आप यहाँ से इन्हें प्ले भी कर सकते हो, इनका ऑडियो की इसे ठीक प्रोनंस कैसे करना है। ओके ओके सर, ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं आगे। सो जस्ट रिपीट आफ्टर मी, नुल नल आइंस आइंस स्वाय ड्राई द्राय ड्राई
फियर फियर फ्यून्फ फ्यून्फ जैक्स जैक्स जीबन जीबन आक आक नॉइन नॉइन सेन जेन एल्फ एल्फ सुल्फ सुल्फ ड्राइसेन ड्राइसेन फियरसेन फियरसेन फिम्सेन फिम्सेन जैक्सेन जैक्सेन जिप्सेन जिप्सेन अक्सेन अक्सेन नॉइनसेन नॉइनसेन स्वानसिश 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 ओके नुल नुल आइंस आइंस स्वाय स्वाय ड्राय ड्राय पियर वेयर फियर फियर देखो वी को ना एफ वाला साउंड करेंगे जो इंग्लिश ओके सो फियर ओके फ्यून फ्यून जैक्स जैक्स जीबन जीबन आक आक नॉइन नॉइन सेन सेन एल्फ एल्फ सुल्फ वुल्फ ड्राइसेन ड्राइसेन फियरसेन फियरसेन फिम्सेन फिम्सेन जैक्सेन 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 जिप्सेन या जिप्सेन जिप्सेन अक्सेन अक्सेन नॉइनसेन नॉइनसेन स्वानसिश स्वानसिश ओके जस्ट रिपीट तानिया नुल या आइंस स्वाइ या ड्राई फेयर फ्यून या टेक्स या जाइबेन आक या नॉइन या टैन एल्फ या ज़ुल्फ स्वुल्फ या ड्राइसेन बियरसेन या फ्यून्सेन सेक्सेन डेक्सेन या जाइजेन आक्सेन नॉइनसेन ज़्वानसिश ज़्वानसिश इज देयर एनी डाउट नो सर क्लियर ओके जस्ट आई विल प्ले द ऑडियो ओके ओके चैप्टर नंबर 168 Aufgabe 6a Zahlenrap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 Okay, I will play one more time. Okay. Aufgabe 6a Zahlenrap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Is it clear? Yes, sir.
ओके, बाकी हम और प्रैक्टिस करेंगे ओके, बट आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में ओके. जस्ट आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था ये ओके. अभी आपको क्या करना है, जस्ट आपको रीड करना है ये ओके. ओके सेलिना लाइन या राइजा फ्यूरर इन फ्यूररिंग. राइज अ फ्यूरर इन मींस होता है ट्रेवल गाइड ओके. क्या होता है ट्रेवल गाइड? राइज अ फ्यूरर इन या ओके. कोई और लैंग्वेज में लिख रहा था ये, इसे हम इग्नोर करेंगे. टूरिस्ट गाइड. टूरिस्ट गाइड. नेक्स्ट ज्योतिष. डॉइच. डॉइच. डॉइच या स्पैनिश. स्पैनिश. इंग्लिश. 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 इंग्लिश यस इंग्लिश ओके. नेक्स्ट युधिष्ठिर. या ट्राई. या जैक्स. जैक्स. नूल. ड्राई. स्वाय. स्वाय या सेवन क्या होगा? जीबन. जीबन. जीबन या जीबन. ओके जीबन. फ्रैंकफर्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट टेलीफोन. टेलीफोन इज टेलीफोन ओके. इंग्लिश वाला ओके. देन प्लस, इसे बोलेंगे प्लस. प्लस को बोलेंगे प्लस. प्लस या प्लस फ्यून. फियर. फियर. नॉइन या नूल. या आइंस. जीबन. आइंस. जीबन. आइन या आक्ट. या स्वाय. जैक्स. स्वाय. जैक्स. फेयर. या जीबन. या ड्राई. ड्राई. आइंस. आइंस. ओके ओके. जीवन द्राय आइंस ओके. नेक्स्ट जेलिना. या एट. एट. एट लैंग्वेज गाइड. या पुंक्ट. डॉट को बोलते हैं हम पुंक्ट. क्या बोलते हैं? पुंक्ट. या डे ए. डे ए. या डे ए ओके. नेक्स्ट इसको यही बोलेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू. नो नो नो. वे वे वे. वे 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 पॉइंट. ओके वे 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 पॉइंट. लैंग गाइड पॉइंट. डे ए. डे ए. डे ए. इज देयर एनी डाउट? तुम्हें एक बार फिर से बोलूं? यस प्लीज. ओके राइजा. Raiza Furarin. Yeah. Raiza Furarin. Tourist guide. Deutsch. Yeah. Deutsch. 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 Yeah. Spanish. English. Spanish. Yeah. Spanish. Okay. English. Ludwig. Yeah. Dry. Noin. Yeah. क्या बोलेंगे? Zex. Zex. Yeah. Null. Dry. Yeah. Swy. Why? Yeah. Why? Sieben. नहीं. Yeah. Frankfurt. 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 Yeah. Telephone. Yeah. Plus.
नहीं प्लस हाँ प्लस 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 या फियर फियर नाइन फियर या फियर नाइन या आइंस जीबन आइंस आइंस या आइंस गिबन आइंस आठ लाइन या जैक्स फियर जैक्स फियर सीवन ट्राई आइंस गैलिना वेरी गुड या आठ यंग गाइड या पुंच डे ए डब्ल्यू या क्या होगा वे 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 या पुंच लैंगाइड पुंच डे 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 इज देयर एनी डाउट? नो सर ओके अभी हम करते हैं नीचे वाले से पढ़ते हैं. ओके अच्छा मैंने आपको वे फ्रागा कराया था, आपने याद कर लिए वो जैसे वो भी वो है. हाँ सर ओके ओके जस्ट रीड इट फर्स्ट वन. वो है कॉमन जी फ्रॉ लैंड ओके सो वो हेयर मीन्स वेयर फ्रॉम कॉमन या कॉमन टू कम टू कम. ओके एंड जी बोल रहे जी फ्राउ लांग या जी मीन्स यू फॉर रिस्पेक्ट मतलब किसी को रिस्पेक्ट ओके हाँ देनी होता सो यू इसका मीनिंग क्या हुआ? फ्रॉम वेयर टू कम यू ओके फ्रॉम वेयर डू यू कम? ओके 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 या फ्रीज नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट या फ्राउ लांग. ओके नेक्स्ट सेंटेंस वेल्चर या वेल्चर या प्राचल प्राकन स्प्राखन प्राकन या जी प्राकन नाउ टेल द मीनिंग. विच या लैंग्वेज डू यू स्पीक वेरी गुड. ओके इज इट क्लियर और नॉट? वेल्चे स्प्राकन एक्सप्रेशन जी. वेल्चे स्प्राकन एक्सप्रेशन जी. ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज वो वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस नंदी ओके वो मीन्स वेयर वेयर डू यू लिव या वेरी गुड. वेयर डू यू लिव? नाउ रीड दिस दिस इश प्राकी स्पैनिश स्पैनिश इश एंड एक्सप्रेशन यू प्रेशर स्पैनिश इंग्लिश इंग्लिश या उन डॉइच डॉइच इस प्रेशर स्पैनिश इंग्लिश उन डॉइच. स्पैनिश इंग्लिश उन डॉइच ओके देखो एक्सप्रेशन मींस क्या होता है? लैंग्वेज टू स्पीक. टू ओके हाँ स्पीक टू स्पीक टू स्पीक. अच्छा आपने वीडियो देखी, आप ये बताइए इसके साथ क्या लगता है कॉन्जुगेशन में? ई लगता है. वेरी गुड. अगर एक्सप्रेशन वर्ब है तो आप इसे चेंज करिए. कॉन्जुगेट कैसे होगा ये वर्ब? स्पेशल स्पेशल स्प्रेशा. और यहाँ पे क्या लिख रहा है? प्रेशर ओके इज इट क्लियर और इश नॉट? प्रेशर यस सर या ओके वेरी गुड. नेक्स्ट बे इश कॉमा अस जो आउस प्लान आउस आउ आउ डॉयचलैंड. आउस मींस होता है फ्रॉम. ओके आउस मींस होता है ओके फ्रॉम. फ्रॉम ओके नेक्स्ट इश वोने इन फ्रैंकफुर्ट ओके इन मीन्स होता है इन.
जो इंग्लिश वाला इन होता है ना, वही है इसका मीनिंग, इन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ? नहीं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग। इश बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, या आई हाँ, लिव यस, इन फ्रैंकफर्ट। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वोनन मींस टू लिव। ओके, अभी आई आपको क्या लिव इन करना है? फ्रैंकफर्ट। या ओके, अभी आपको क्या करना है, मैच दी फॉलोविंग करते थे ना बचपन में, सेम करना यस है। सर, इधर है 1 2 3 और इधर है ABC। ओके, प्लीज यस सर, डू एंड लेट मी नो। ओके। ओके ओके, जो सो टेल मी द आंसर। फर्स्ट वन मतलब ऐसे बोलो या पूरा रीड करके बोलो। आप ये मतलब आंसर रीड करना है आपको फर्स्ट का। मतलब फर्स्ट बोल के फिर उसका आगे पूरे पार्ट को बोलना है मुझे। ओके, यस यस यस, फर्स्ट वन इज वो हर कॉमन जी फ्रॉ लैंड, या या इश कॉमा अस आउस 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 डॉयच ड्यूटमैन लैंड। डॉयच लैंड, डॉयच डॉयचमैन लैंड मीन्स जर्मनी। डॉयचमैन जर्मनी। ओके, ओके, जैसे इंडिया को हिंदी में भारत बोलते हैं ना, ऐसी जर्मनी यस को जर्मन लैंग्वेज में डॉयच लैंड बोलते हैं। ओके ओके, डॉयचमैन। ओके, सेकंड। वेल्शिस प्राशन प्राशन जी, या इश प्राशिस स्पैनिश इंग्लिश एंड डॉयच उंड डॉयच। ओके वो ओके, वोनन वी इश या वोने इन फ्रैंकफर्ट। इश वोना इन फ्रैंकफुर्ट। इज देयर एनी डाउट? नो सर। जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके सर, डन। ओके, आई विल रब हियर। ओके, जस्ट देयर इज वन स्मॉल ऑडियो क्लिप। ओके, आई विल प्ले। फियर आर ओके, Aufgabe 4a. Woher kommen Sie, Frau Lang? ich komme aus Deutschland. Welche Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Spanisch, Englisch und Deutsch. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Frankfurt. Okay, is it clear or should I play one more time? यस सर, क्लियर है। Okay, very good. Now read B. स्पेलन जी या डायलॉग डायलॉग। डायलॉग, स्पीलन मीन्स होता है टू प्ले। ओके ओके, डायलॉग इज डायलॉग। ओके, जस्ट रीड फर्स्ट। ओके, वी हाई जेड डू वी हाई हाइज जेड डू। इश या हाई नेक्स्ट। जेड जम देन ओके या वो हाई कॉम्स डू मीनिंग आउस वेयर आर यू या वेयर वेयर डू यू कम। फ्रॉम। ओके सो ओके, आउस आंसर। फ्रैंकफर्ट ओके नेक्स्ट। एंड वो वांट्स टू डू या एंड वेयर या यू वेयर डू यू लिव वेरी गुड इन ज्यूरिख। इन ज्यूरिश। वेरी वेरी गुड। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए, देखो वेफ्रागा कौन, ये कौन से होते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली। डबल ओके, फैमिली ये क्या होती है हमारी? बल्ब। वर्ब। ओके, और ये क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट। ओके सो, अगर हमें कोई एक सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन मार्क से, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आता है? डब्ल्यू एच फैमिली, देन आता है वर्ब, फैमिली देन आता है सब्जेक्ट। ओके, वर्ब कौन से पोजीशन पे आती है हमारी?
सेकंड पोजीशन पे। सो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे हाई एस टी लग रहा है, यहाँ पे एस टी, यहाँ पे ई एन, ये किस बेसिस पे लगा है? जो इसमें एस टी लगा है, मतलब जो हाईएस्ट पे, हाईएस्ट पे जो टी लगा हुआ है, ये डू की, डू की वजह से लगा है क्योंकि इररेगुलर वर्ब है। ओके वेरी गुड। ये इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हुआ है, क्या हुआ है? कॉन्जुगेट हुआ है। ओके डू इसके अकॉर्डिंग हुआ है कॉन्जुगेट, और जी किसके अकॉर्डिंग हुआ है? जी कॉमन के, वो है कॉमन सी, जी के अकॉर्डिंग हुआ है। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं हम ये ग्रीन वाली लाइन। ओके जस्ट रीड, वो है कॉमन सी या वो है कॉमन सी, व्हाट डज इट मीन? वेयर यू कम फ्रॉम, या वेरी गुड। ओके ओके, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें? डू की, इसमें जो डू है वो इररेगुलर वर्ब है, मतलब एसटी लगा है तो मतलब ये इररेगुलर वर्ब है इसलिए। नहीं यार, डू मतलब ये नहीं है कि इररेगुलर है, डू मतलब ये है इनफॉर्मल है, जब हम दोस्तों से बोलते हैं तो ये बोलेंगे वो है कॉम्स डू, और कॉमन जी मतलब जब रिस्पेक्ट देते हैं हम किसी को। ओके ओके सर, ओके ओके। अभी हम आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे? इश इश कॉमा आउस फ्रैंकफर्ट, आउस मींस फ्रॉम, फ्रैंकफर्ट, आई कम फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, या आप डायरेक्ट बोल सकते हो आउस फ्रैंकफर्ट। ओके सेकंड सेंटेंस, वो वांट्स टू, या वो वांट्स जी। ओके सो व्हाट डज इट मीन, वेयर Do you live? Yeah. Okay. इन दोनों का मीनिंग सेम है, अलग अलग है? सर इसमें इनफॉर्मल है, मतलब जो do वाला, do wants to do, इसमें very good friend के पास बोला है, और इसमें we वाले में respect देके पूछा गया। Okay. आंसर कैसे करेंगे इसका? Is born in Zurich. Yeah. Okay. Very good. Okay. So, Tanya, I will ask you, wo hair common zi? Ish come aus Jammu. Is come aus Indian? Indian. Yeah. Ish come aus Indian. Okay. German mein India ko Indian bolte hain. Okay. 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 Second question is, wo wohnen zi? Is born in Indian. Where? Jammu. Jammu. Okay. Is born in Jammu. Okay. Yeah. Now Tanya just ask the same question. Wo hai kaun zi? Common zi. Sorry. Very good. Is come aus Indian. Wo, second. Wo born in zi? Ish bona in Noida. Okay. Ish bona okay. in Noida. Okay. Okay. Is there any doubt? No, sir. Clear. Okay. Clear hai, toh good. Abhi hum chalte hain aage. Theek hai. Okay. Okay. So... अच्छा आप मुझे बताओगे, हम देखते हैं आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ओके हाँ, आप मुझे बताइए पर्सनल प्रोनोमन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल या इश, इश डू एर वी देर वेयर इयर वी Yeah. Yes. We Is there any doubt?
अच्छा ये वाला जी कौन सा है? ये वाला शी के लिए, और जो ये वाला फॉर रिस्पेक्ट, यू फॉर रिस्पेक्ट, और नीचे वाला दे के लिए। ओके रिस्पेक्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, नो प्रॉब्लम। ओके आप समझ जाना, दे के लिए। ओके वेरी गुड। ओके आप मुझे बताइए कि वर्ब जो कॉन्जुगेट होती है इसके अगर इश होगा तो क्या लगेगा एंड में? वेरी गुड। डू होगा तो? एसटी। वेरी गुड। एर होगा तो? टी। या नेक्स्ट? और जी के लिए अगर शी वाला है तो इसके लिए भी टी लगेगा। ओके और एस के लिए भी टी। ओके ए हर के लिए भी टी। ओके और जी के लिए एन। ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, और जी के लिए ई एन। ओके जी के लिए ई एन, ये वाले जी के लिए भी ई एन। ओके वेरी गुड। अच्छा आप मुझे ये बताइए कॉमन, हम एक वर्ब लेते हैं अब कॉमन, कॉमन मींस टू कम। वेरी गुड। ओके अगर हम इसके साथ कॉन्जुगेट करें कॉमन को तो क्या होगा? कॉमी, कॉमा, इस कॉमा। सेकंड डू कॉम्स, कॉम्स, कॉम्स। ओके वेरी गुड। एर कॉम्ट, कॉम्ट, जी कॉम्ट। वेरी गुड। एस कॉम्ट। ओके ईयर कॉम। नेक्स्ट ईयर के लिए कॉमन। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉमन, कॉमन, नेक्स्ट कॉमन, कॉमन। वेरी वेरी गुड। ओके नेक्स्ट वर्ब हम लेते हैं वोनन। ओके वोनन मींस टू लिव, टू लिव। ओके इश वोना। ओके डू वोन्स, वोन्स। एर वोंट। वेरी गुड। जी एस वोंट। ओके ईयर वोंट। वियर वोंट, वोन, वोनन, वोनन। ओके नेक्स्ट जी, और जी के लिए भी वोनन। वेरी वेरी गुड। अच्छा ये हमारी कौन सी वर्ब होती है? ये होती है रेगुलर, रेगुलर वर्ब। वेरी गुड आप अच्छे से करके आए हो मींस वीडियो। ओके नेक्स्ट आती है, देखो रेगुलर वर्ब वो होती है जिनके जिनमें ये वाला ये ई ई एस टी ये सब लगेगा। ओके यस सर। ओके अब आती है इररेगुलर वर्ब। ओके अब आती है हमारी क्या इररेगुलर वर्ब। ये मैंने आपको आगे तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ओके यस सर, वरना हम इतना बताते नहीं है स्टूडेंट्स को, बट कोई नहीं अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के अच्छे से क्लियर स्टार्ट करें। ओके आपके लिए भी या ओके इररेगुलर वर्ब हम सबसे, हाँ हम सबसे पहले लेते हैं जाइन। कौन सी वर्ब लेते हैं हम? जाइन। जाइन का मतलब आपको इसी में तो डाउट था ना आज? यस सर। इज एम आर। अच्छा आप पहले मुझे ये बताइए जो गो वर्ब है, गो इंग्लिश वाली गो है, इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है गो वेंट, गो वेंट गॉन। ओके अच्छा आप इसके पीछे लॉजिक बताइए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, गो का वेंट कैसे हुआ? क्योंकि मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया है तो मतलब जैसे प्रेजेंट पास्ट में आता है तो ठीक है।
नहीं वो बात ठीक है, कोई लॉजिक है आपको इसके पीछे, कोई लॉजिक लग रहा, रूल कोई लग रहा हो कि लग रहा हो कि हाँ, ओके जैसे रूल वहां पे नहीं है ऐसे ही सेम इरेगुलर वर्ब के लिए है, कोई लॉजिक नहीं है कि सर ये कैसे बना, बट आपको रटना पड़ेगा। ओके ओके जैसे आपने कभी सोचा आई के साथ हम एम ई क्यों लगाते हैं, हम आई के साथ इज नहीं लगाते, नहीं तो सोचा नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कोई। कोई लॉजिक नहीं है सेम, तो ऐसे ही इसमें लॉजिक नहीं है, जस्ट आपको इरेगुलर वर्ब रटनी पड़ेंगी। ओके जैसे ओके आपने रेगुलर वर्ब का तो हम कह सकते हैं कि इसके साथ आप हमेशा ई लगाइए, डू के साथ आप हमेशा एस टी लगाइए, एर के साथ आप हमेशा टी लगाइए, बट आप ओके इरेगुलर वर्ब के साथ ये चीज नहीं कहोगे। ओके तभी वो इरेगुलर है, कोई रेगुलर फॉर्मेलिटी नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसके साथ जाइन की क्या फॉर्म होती है, इश पिन बिन, बिन जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है एम, क्या मतलब होता है एम, डू डू दिस वेरी गुड, एर आई इस वेरी गुड, ओके जी ये शी वाला है, जी इस है या ओके एस एस बी इस ओके इयर रीड जाइड। मैंने आपको क्या जाइड बताया था, ई आई को आप क्या रीड करोगे, जस्ट आई ओके जाइड, वियर वेयर जाइड जिन विंड वेरी गुड, जी रीड विंड और लास्ट वाला भी विंड ओके। मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ, देखो ये दोनों की कॉन्जुगेशन सेम होती है, ठीक है, इनकी सेम होती है कॉन्जुगेशन, मैंने जस्ट आपको अलग अलग लिखा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसकी यस इस्त है, इसकी इस्त है, इसकी इस्त है, ठीक है, इसकी जिंद है, इसकी जिंद है, ऐसे आप ऊपर देख लो, आपका ये रहा टी 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 करेक्ट, वियर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ई एन ई एन ई एन, यस ओके आपको याद करने के लिए मैंने बता दिया है। अच्छा हम एक सर वर्ब और ले लेते हैं, यहाँ पर हम वर्ब ले रहे हैं हाइजन, व्हाट ओके हाइजन ओके हाइजन, हाइजन मींस टू बी कॉल्ड टू बी कॉल्ड, वेरी गुड ओके। सो इसके साथ क्या बनेगा आपका, हाइजे हाइजा वेरी गुड, डू डू के साथ हाई हाइज ओके। अच्छा आप मुझे ये बताइए इसमें एस टी क्यों नहीं लग रहा, जैसे मैंने बताया था डू के साथ एस टी लगता है। देखो मैं आपको एक लॉजिक छोटा सा एक आपको बात बताता हूँ, जो आपको ये बीटा का साइन दिख रहा है ना, इसका मतलब है डबल एस, डोपल एस, डोबल एस मीन डबल एस ओके। अगर आप इसको हाइजन को ऐसे लिखते हो ओके हाइजन हो गया, अगर आप डू के साथ इसे कॉन्जुगेट करते हो, डू बोलता है आप एस टी लगाओ एंड में, तो यही तो बनेगा ओके, थ्री टाइम्स एस हो जाएगा, इसलिए एक बार ना हम रिमूव कर देते हैं, इसलिए हाइज ओके ओके। एयर के साथ क्या लगेगा आपका, एयर के साथ हाइस्ट, एस के साथ ओके वेरी गुड, एस के साथ हाइस्ट, ईयर के साथ साथ भी हाइट ये तो नहीं समझ आया कि ये के साथ आइस कैसे लग गया। ईयर के साथ कैसे लग गया ओके। ईयर के साथ हमारी हमें हमारा क्या लगता है, टी ओके लगता है, क्या लगता है टी ओके ठीक ओके, ऐसे लग गया ओके। है हाँ वियर के ठीक साथ है ठीक है वेयर के साथ हाइजन वेरी गुड हाइजन, लास्ट वाला जीजी हाइजन। हाइजन देखो ऐसा नहीं है, अगर ये इरेगुलर वर्ब है सब में चेंज होगा, जो एक्सेप्शन केस है ना वो आपका डू के साथ है ओनली, बाकी सब ऊपर वाला है सेम, बट ये इरेगुलर इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन केस आ रहा है हाइस्ट के साथ ओके। बट ये जो है जाइन है ये कंप्लीट, ओ सॉरी,
साइन जो है आपका कंप्लीट ही वो है, मतलब इरेगुलर वर्ब. ओके ओके, साइन आपका कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब है. ओके आपको ये क्लियर हुआ? यस सर. पढ़ते हैं आगे. अच्छा आपको इतने में कुछ डाउट हो? नहीं सर. सेम आपको मैंने वो आपको कह रहा हूँ महिमा को सेम पढ़ाया था, इरेगुलर वर्ब ये लिख रहा. ओके और ये लिख रहा हाइजन सम सेम कराया था, ठीक है, ताकि आप सब एक सेम क्लास में चले जाओ दोनों. ओके अब आता है नेक्स्ट. जसवीर से लेसन लेसन वी ऑन लेसन 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 वी या एर्गेंजन या वी डी वर्बन. ओके लेसन मींस होता है टू रीड, उंड मींस होता है एंड, एर्गेंजन मींस होता है टू कंप्लीट कंप्लीट. या कंप्लीट दी वर्बन, वर्बन मींस होता है वर्ब. आपको क्या कह रहा है इसमें? रीड एंड कंप्लीट द वर्ब. ओके रीड एंड कंप्लीट द वर्ब. अच्छा पहले उससे पहले हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है. वोनन मींस Wonen means to live. Okay. Ish. Ish wonen. Do. Do want. Erzi. Erzi want. Z. Wonen. Okay. Common means. Common means to come. Come. Okay. Ish means. Ish comma. 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 Do cost. Okay. RZ. Cont. Z. Common. Very good. Zain. Zain means is, am, are. Ish means iske saath. Bin. Do. Beast. RZ. Is. Z. Sign. Zin, zin, zin. Okay. अच्छा. Okay, very good. Okay. अभी हम करते हैं आगे. Okay. So, ये एक lady है. Here. Okay. अच्छा. आप ये बताइए personal pronoun में हम इनके लिए क्या use करते हैं? आप z use करोगे या r use करोगे? Lady के लिए. Yeah. Z. Very good. Okay. ओके बस अब जस्ट रीड दिस सॉरी रीड दिस दैट इज फ्रॉम लैंड. दैट मींस होता है दैट दैट. ओके आपको मीनिंग बताना है. दैट इज मिस इज लैंड. या वेरी गुड. शी या शी कम फ्रॉम. आपको पहले जर्मन में तो रीड करो. जी कॉम्ट आउस डॉचलैंड. जी कॉम्ट आउस डॉचलैंड मीनिंग शी कम फ्रॉम डॉचलैंड. ओके आप ये याद रखना जो शी यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? फ्राउ लांग. फ्राउ लांग कौन है हमारी? ये. ओके शी कम फ्रॉम जर्मनी. आउस मींस फ्रॉम. ओके नेक्स्ट वी या वोनन इन फ्रैंकफर्ट. ओके आप मुझे ये बताइए वोनन लगेगा या वोंट लगेगा? वोनन. क्यों? क्योंकि जी है तो मतलब जी के साथ वोनन ईएन लगता है. अच्छा जी तो यहाँ पर भी है. देखो मैंने मार्क करा ये रहा. बट ये वाला जो जी है ये के साथ बोला गया. अच्छा अगर आप ये कह रहे हो तो यहाँ पे जी कौन सा वाला है? ये वाला भी वही है जो नीचे. तो इन्होंने क्या यूज करा है यहाँ पर? टी. तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे ये जी स्मॉल में बनता है बट जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में होता है, ठीक है. अगर आप देखोगे यहाँ पे फुल स्टॉप है ये रहा.
उसके बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट है, तो एस कैपिटल में इसलिए बन रहा है। और यहाँ पे भी आप देखोगे इससे पहले फुल स्टॉप है, न्यू सेंटेंस स्टार्ट है, तो जो जी है ये लड़की गर्ल वाला यूज करा, शी वाला है तो टी लगेगा, क्या लगेगा? ओके सर, वांट टी वाला, ठीक है। जी वांट इन फ्रैंकफर्ट, वेरी गुड। ओके अब सेकंड आप करिए। जैन डैश आउट फ्रैंकफर्ट, ओके। जैन वेरी वेरी गुड। ओके आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखो आउस मींस होता है फ्रॉम, ठीक है, कॉम्प्ट मींस आता है, होता है कॉमन मींस होता है आना, ठीक है। जब हम कहीं से आता है ना तो से मींस होता है फ्रॉम, तो हमेशा कॉमन के साथ क्या आएगा? आउस। वोनन मींस क्या होता है? हम यही तो बोलते हैं कि लाइक मैं जम्मू में, तो इन नहीं तो लगेगा ना यहाँ पर इन, तो वोनन के साथ हमेशा क्या लगेगा? इन। ओके ये प्रेपोजिशन का एक टॉपिक है, जब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। ओके ओके सो आज का टॉपिक हमारा ये था। ओके जस्ट वन मोर थिंग रहती है अभी यहाँ पर। ओके आपको इसके आंसर बनाने हैं, तीनों के आंसर देने हैं मुझे। नामा आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पर रहते हो? ओके आपको पहले क्वेश्चन बनाने हैं। वी हाइजन जी फॉर एग्जाम्पल, वो हैर कॉमन जी, वो वोनन जी। ओके फिर उसके आंसर लिखने हैं। आप ऊपर से हेल्प ले सकते हो, मैंने स्क्रीन थोड़ा जूम आउट कर दिया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन भी खुद बनाने हैं और फिर आंसर भी। यस यस दोनों काम करने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें जब मैं आंसर का मतलब रिप्लाई दूंगी तो वो मैं अपने नाम से दे सकती हूँ? हाँ मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एक बार क्वेश्चन बनाइए फिर उसके आंसर बनाइए। ओके हो गया। ओके प्लीज टेल द आंसर। नामे का आएगा वी आर हाइस्ट डू, वी आर हाइस्ट डू। ओके ओके आपको ये तीनों क्वेश्चन मेरे से पूछने हैं, ठीक है, वन बाय वन। ओके ठीक है। ओके सो जब स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन, वी हाइस्ट डू इज हाइजा लव गर्ल। सेकंड, वो हर कॉम्स डू इश कॉमे आउस इंडियन। थर्ड, वो वांट्स टू, वो वांट टू या इश वोना इन नोएडा। ओके so Tanya same question, V hyphen Z ish hyphen Tanya Sharma. Okay wo hair common Z aus Indian. आपको complete sentence बोलना है, वापस बोलना, आपको complete sentence बोलना है, only house Indian से नहीं चलेगा। ओके क्वेश्चन बोलना। हेयर कॉम्स डू इश कॉमा या इंडियन, इश कॉमे आउट इंडियन। ओके लास्ट वन, वो वोनन जी इश वोना इन जम्मू।
वेरी वेरी गुड, दिस इज एलिस फ्योर हॉइटर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, इज देयर एनी डाउट तानिया? नो सर, थैंक यू सो मच, दिस इज एलिस, फीलन डांग, च्यूस, आउ विडर ह्यूरन, या, च्यूस. Yes.